शंकर सुवन भवानी के शंकर सुवन भवानी हमारा तुलसीदास जी कहते सब लोग आप गणेश जी को गाइए, कम से कम 9 दिन पूनम कर 10 दिन जितना भी गाइए। क्यों गाइए? मोदक प्रिया मोदक मंगल दाता गणेश जी मोदक प्रिय है, उनके हाथ में मोदक है रखा हुआ, देखिए आप लोग स्वयं नहीं खा रहे, वो रखा हुआ है मानो बांटने के लिए तैयार है कि आओ मैं किसी को दू मोदक। लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू लिए ऐसे होते हैं, खाते नहीं, मानो किसको दू ये चाह रहे। मोदक प्रिया मोदक मंगल दाता। अब मोदक क्यों खाते गणेश जी, क्यों खाते? हम लोग तो नहीं खा सकते, हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि गणपति बाबा खाते हैं लडुआ और हमको बखट पे न मिलता कदुआ। गणपति बाबा तो लडुआ खा लेते और हमको तो खाने को नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि गणेश जी बड़े पेट वाले तो है, बड़े बॉडी वाले तो है, लेकिन वाहन कौन सा है? एक वाहन, छोटा वाहन रहने से मेंटेनेंस कितना कम लगता है। आपकी परिस्थिति कम है और वाहन बहुत बड़ा प्रयोग करो, बिना मोटरसाइकिल के आप तक को भी न जाओ तो फिर आपको कैसा बुलाएगा। गणेश जी बड़े बारीक नेत्र वाले और बड़े कान वाले, देखना बड़ी बारीकी से और बहुत सुनो, सुनाओ नहीं बहुत सुनते, बड़े कान वाले, इसलिए मोदक प्रिया मोदक मंगल दाता विद्यावारी बुद्धि दाता बुद्धि दाता गणपति जगवंदन गाइए गणपति आज प्रतिष्ठापना हुई और तुलसीदास जी बाबा के थे मांगी मांगत तुलसी दास कर दो किसी से भी नहीं मांगना, लेकिन दाता हो तो मांगे क्यों ना। सुनो माँ तुम ही अतिशय भूखा, मुझे भूख लगी कब पहले माँ को कहा, माँ मिले तो क्यों ना मांगे, क्यों ना खाए। इसलिए ऐसे दाता है मेरे को जरूर मांगे, हमने कितना दादा जी को हमारा आसन बढ़िया से बन जाना चाहिए, दादा जी सुन ले तो सब हो जाता है, हमारे आसन माने ठाकुर जी का आसन। हाँ मांगे तुलसी दास कर जोरे जोरे श्री गुरु।